हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज सुबह सुबह नहीं निकलना पड़ा, मतलब 7 बजे आज नहीं नींद खुला। मुझे मेरा नींद का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कल मैंने जल्दी जल्दी सो गया था कि 7 बजे उठना है ऑब्वियसली, मगर नींद आए 5 बजे। भाव क्या बात है। तो इसीलिए सुबह को नहीं उठना पड़ा, मतलब उठ पाया ऑब्वियसली। तो अभी दोपहर को निकला हूँ, दोपहर को मतलब 11 बजे निकला हूँ ऑब्वियसली पढ़ाने के लिए। तो ये मुझे थोड़ा सा नींद का कुछ मेरा करना पड़ेगा गाइस, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है नींद का। मुझे फिर से शॉर्ट आउट करना है इसको, नींद का फिर से मतलब बदमाशी कर रहा है मेरे साथ नींद, क्योंकि 2021 का लास्ट में मेरे साथ ऐसा ही कर रहा था नींद, मतलब नींद नहीं आ रहा है, सुबह को जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ। मगर ये सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ट्यूशन्स मिस हो जाएगा। कल पूरा दिन मैंने शूट किया, कोई दिक्कत नहीं आया, मगर कल मैं जब एंडिंग पार्ट मतलब रात का एंडिंग पार्ट शूट कर रहा था इसी जगह पे, रात का एंडिंग पार्ट शूट कर रहा था, आउटरो दे रहा था, तब मेरा माइक हो गया ग्लिच, मुझे पता नहीं चला। मैं भगता रहा। फिर जब मैंने रात में जाके एडिटर में जब मतलब एडिटिंग कर रहा था, तो एडिटर के अंदर जब वो क्लिप देख रहा था, पूरा माइक ग्लिच, मतलब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, पचर 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 करके आवाज़ हो रहा है बस। इतना गुस्सा है ना भाई मुझे, मतलब उतना रात को एडिट का मतलब फिर से रिकॉर्डिंग करो मुझे दिल नहीं किया, तो इसलिए मैंने लिख दिया जो भी बोल रहा था वो मैंने लिख दिया। तो वही है, मैं आज चेकआउट करूँगा, हर दूसरे वीडियोस के बाद मैं चेक करने की कोशिश करूँगा पूरा दिन का व्लॉग, उसके बाद ही मैं खास करके आउटरो कि खास करके जब मैं लाइट लगाता हूँ तब थोड़ा सा डिस्टर्ब आता है, मुझे पता है। वो डिस्टर्ब क्यों मुझे पता नहीं, क्योंकि मतलब मेरा ऑलरेडी मुझे मालूम है, मेरा फ़ोन का जो पोर्ट है, जो ये नीचे वाला जितने भी पोर्ट है सब एक ही बोर्ड पे होता है, यानी सैमसंग का वही चीज़ है, हेडफोन जैक, जो चार्जिंग करने वाला पोर्ट और माइक और स्पीकर, ये सारे के सारे एक ही बोर्ड में होता है। तो वो बोर्ड गया है, मुझे पता है वो बोर्ड गया, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल या 2.5 साल हो गया है फ़ोन का, कुछ ना कुछ तो ख़राब होगा मुझे पता है, क्योंकि वो बोर्ड ऑलरेडी गया है मुझे पता है, क्योंकि हर दूसरे दिन मुझे चार्जर का केबल चेंज करना पड़ता है, तब जाके वो चार्ज होता है। तो देखते हैं, वो जब नया डिवाइस मैं ख़रीदूँगा तो इसको डॉक्टर के पास भी दिखाना है। और भाई ऊपर कौवा उड़ रहे हैं बहुत सारे, पुकार रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब क्या कहना चाहती है, उन लोगों का बातें भी सुनना है मुझे। रुको, अभी तो खैर पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, शाम हुआ है 6:30 बजे है, तो अभी बहुत मतलब 2-3 काम है, ATM में जाऊँगा, थोड़ा पैसा निकलना है, उसके बाद पढ़ाने के लिए जाऊँगा। इसके पहले व्लॉग नहीं किया है, क्योंकि मतलब मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, टाइम में ही पहुँचा ऑल्दो, तो इसलिए मतलब व्लॉग वगैरह नहीं किया, जल्दी जल्दी साइकिल चला के उसके बाद गया था मैंने। तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब अभी तक तो व्लॉग बहुत ही छोटा रहा, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ व्लॉग को कल तक, यानी कि जो जब तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो उसी सुबह को मैंने वीडियो को एडिट करके डाला हूँ। तो देखते हैं एक्सटेंड हो पाता है कि नहीं, या मैं रात को ही पूरा का पूरा व्लॉग कंप्लीट करके, अगर पूरा का पूरा व्लॉग रात को कंप्लीट हो जाता है तो आउटरो के लिए मैं एक्सटेंड करूँगा। गाइस आज बाज़ार में मतलब काफ़ी चहल पहल है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अभी तो लौट रहा हूँ मैं घर को रात में, तो क्योंकि कहीं कल लॉकडाउन है, आज लोग मतलब कल सिर्फ एक ही दिन के लिए लॉकडाउन है, मगर आज लोग ज़िंदगी भर का खाना मौजूद करके मतलब बाज़ार कर रहा है। इतना ज़्यादा भीड़ भाई, मतलब इन लोगों को खाना चाहिए बहुत ज़्यादा, एक ही दिन में ये लोग पूरा ज़िंदगी का खाना खा लेगा। गाइस मैं साइकिल लेकर आता, मगर उधर से आने के बाद मतलब शाम को जहाँ पे गया था मैं ट्यूशन करके, शाम को उधर से आने के वक्त मेरा साइकिल का जो सामने वाले पहिया का मोड़ कट था, पता नहीं कैसे बेंड होके सामने चला आया, तो उसको दुकान में देना पड़ा। खैर उसके बाद मैं चल के ही आया। अभी तो ये व्लॉग मैं कल भी शूट करूँगा, जो एंडिंग है ये मैं कल करूँगा इसका एंडिंग, मतलब रात में जाके व्लॉग को मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा रात में आज काम है, क्योंकि मैं जो स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ उसके सिलेबस में एक मैथ है जो कि मेरे टाइम पे नहीं था मेरे सिलेबस में, तो वो रात में जाके थोड़ा सा ठीक ठाक करना है मुझे, हाँ सीखना है मुझे थोड़ा सा मैथ। देखो गाइस मतलब सीखने में कुछ बुराई नहीं है, तुम ज़िंदगी में कहीं पर भी चले जाओ,
कहीं मुकाम में भी चले जाओ, सीखना कभी बंद मत करो। और मैं जितना भी सीखा हूँ वो मैं अपने आप पे सीमित नहीं रखना चाहता हूँ। जितने भी मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, मैं जितना भी मैं सीखा हूँ अपनी ज़िंदगी से वो मैं ज्ञान बांट देता हूँ। मतलब ज्ञान पेलता नहीं हूँ, ज्ञान बांटता हूँ। दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है ना। तो ये तुम लोगों को समझना पड़ेगा, ज्ञान पेलना और ज्ञान बांटना में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इसीलिए ज्ञान अपने आप जितने भी मैं सीखा हूँ तो इसलिए मैं ट्यूशन्स का जो प्रोफेशन है वही मैं इतने चूज़ किया हूँ। खैर अभी तो जाऊँगा, मैं फ्रेश होगा उसके बाद मैथ करने के लिए बैठूँगा। यही रीज़न है आज के व्लॉग का एंड अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। और तुम लोग मतलब ड्यूरेशन भी देख सकते हो, शायद 4 या 5 मिनट का ड्यूरेशन मतलब हुआ है। और मैं रोज़ 10 मिनट का व्लॉग अपलोड करता हूँ। और गाइस मेरे ख्याल से मार्च महीने में थोड़ा थोड़ा कम ड्यूरेशन का व्लॉग आएगा, इसलिए मैं आज मतलब अभी इसे 10 मिनट का व्लॉग अपलोड करता हूँ। मतलब उसका एक रीज़न है क्यों मैं मार्च को छोटा छोटा व्लॉग अपलोड करूँगा, मतलब कुछ दिनों के लिए सिर्फ, या 3 मिनट का या 5 मिनट का ऐसे व्लॉग होगा। क्यों होगा वो मैं तुम लोगों को मार्च में ही बताऊँगा। वो सरप्राइज़ है थोड़ा सा, क्योंकि तब मैं और एक वीडियो पे साइमेंटेनियसली वर्क करूँगा तो इसीलिए मतलब व्लॉग आएगा। इस ईयर भाई रुकने नहीं वाला हूँ मैं, 365 डेज 365 व्लॉग्स जैसे होता है। चलो अभी घर जाते हैं, उसके बाद फ्रेश होके बैठते हैं, कल मिलते हैं। तो अभी सुबह निकल पड़ा हूँ पढ़ाने के लिए, 8 बजे हुए है। ऑल्दो तो मैं कल 2 बजे सोया है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके टाइम लिमिट कम करते करते जल्दी सोने की कोशिश करूँगा। मतलब नींद का कचरा होके पड़ा है, मगर फिर भी खैर। कल मैंने मैथ को, जो मतलब मैथ का चैप्टर सीखने वाला था, मैं बहुत सारा मैथ था और 1 घंटे के अंदर मैंने पूरा का पूरा चैप्टर उतर लिया। काफ़ी कमाल है ना, 1 घंटे के अंदर अंदर। मैं जब मतलब स्टूडेंट का एज में था तब भाई 1 घंटे तो थोड़ो भाई, 2-3 दिन में भाई एक मैथ समझ में नहीं आता था। मगर अभी खैर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है तो 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा चैप्टर मैंने उतर लिया और मैंने कर लिया उसके बाद, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। मतलब खुद ही खुद को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ घमंड वगैरह नहीं है, मगर मैं कर देता हूँ भाई, उसको वे सिखाऊँगा कोई नहीं। और मैं अभी साइकिल लेकर नहीं निकला हूँ क्योंकि भाई जैसे कि पिछले रात को तुम लोगों को कहा कि साइकिल का कचरा बन चुका है, और तब मैंने जब दुकान में दिया था तब ठीक भी नहीं हुआ है। ऑल्दो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ठीक हो जाए। ऑल्दो आज तो भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, और ये व्लॉग गाइस जहाँ पे एंड होगा, जहाँ पे मैं एंड करूँगा वहीं से शुरू होगा अपन का नेक्स्ट व्लॉग। और ये मतलब घर जाके इस व्लॉग को मैं एडिट करूँगा और तुरंत बाद अपलोड कर दूँगा ताकि तुम लोग आज देख पाओ। आज जो तुम लोग व्लॉग देख रहे हो वो व्लॉग मैंने आज ही सुबह को एडिट करके आज ही सुबह को डाला हो, तो मेहनत तो लगेगा ही। तो इसके बाद भाई लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो, और जितने हो सके भाई उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ये मेरा चश्मा ब्लर हो गया, बुके इफेक्ट तो मेरे चश्मा में ही है, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस आज की वीडियो के लिए मेरे ख्याल से इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ़।